नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल के यूनिक नीटिंग में। आज मैं आपको एक जाली वाला डिज़ाइन, जो कि आप बच्चों के फ्रॉक में, स्वेटर में, महिलाओं के कार्डिगन में, गर्ल्स के टॉप में, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही प्यारा है डिज़ाइन। इसको देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बनाते हैं डिज़ाइन को, शुरू करते हैं कैसे ये डिज़ाइन बनेगा। इस डिज़ाइन के लिए 9 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। पहला फंदा सीधा बुन लिए, अब हम फंदा अपनी ओर करेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे। उसके बाद पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, पांच फंदा सीधा बुने, फिर दो फंदे का एक फंदा, इधर से ऊपर से दो फंदा का एक फंदा किए, फिर धागा अपनी ओर, फिर नीचे से दो फंदा का एक फंदा किए और एक यहाँ जाली बनाए। फिर हम पांच फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 4 5, पांच फंदा सीधा, फिर ऊपर से दो फंदे का एक फंदा, धागा अपनी ओर, इधर से फिर नीचे से दो फंदे का एक फंदा, फिर हम पांच फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। अब फिर हम इधर से दो फंदे का एक फंदा और धागा अपनी ओर, एक जाली बनाएंगे और इसको सीधा उल्टी तरफ से पूरा हम उल्टा ही बुनेंगे, उल्टे तरफ से ऐसे उल्टा बुनते हुए पूरे कंप्लीट करेंगे। अब तीसरी पंक्ति सीधा तरफ से, एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे और ये हम जाली बनाए थे इसको भी हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे का एक फंदा करेंगे नीचे से। अब हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3, फिर हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे ऐसे ऊपर से, दो फंदे का एक फंदा, फिर हम यहाँ धागा आगे करके एक सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, अब दो फंदे का एक फंदा करेंगे और फिर तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 3, फिर हम ऊपर से दो फंदे का एक फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ दो का एक करेंगे नीचे से, अब तीन फंदा फिर सीधा बुनेंगे, फिर दो का एक किया ऐसे ऊपर से और धागा अपनी तरफ एक जाली बनाएंगे, उल्टा सिलाई उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बुनेंगे, उल्टा बीन के कंप्लीट करेंगे। अब पांचवा रो सीधी तरफ से, एक ये पहला फंदा सीधा बुनेंगे और फिर एक फंदा दो फंदा इसको भी सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे का एक फंदा नीचे से ऐसे, दो फंदे का एक फंदा किया, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, अब दो फंदे का एक फंदा ऊपर से ये, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 3, फिर हम धागा अपनी तरफ करके दो का एक करेंगे, 4 ये बनाए,
एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक, फिर धागा अपनी तरफ दो, फिर धागा अपनी तरफ तीन, फिर धागा अपनी तरफ और दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा बढ़ाएंगे, बाकी फंदा को सीधा बुनेंगे। उल्टे तरफ से पूरा उल्टा बुनते हुए लाइन को पूरा करेंगे। इस तरह से पूरा उल्टा ही बना। देखिए सातवां रो सीधा तरफ से, पहला फंदा सीधा बुन लिए, हम सबको सीधा बुनेंगे, सब फंदा को सीधा बुनेंगे। यहाँ दो फंदे का एक फंदा करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, सभी फंदे को हम सीधा बुनते हुए बुनेंगे। सभी फंदे को हमने सीधा बुना, इसी तरह यहाँ जो तीन फंदा है उसमें हम दो फंदे का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, सभी फंदे को सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ दो फंदे का एक फंदा, बाकी फंदे को सीधा बुनेंगे। उल्टी तरफ से पूरे पंक्ति को उल्टा बुनेंगे, पूरे पंक्ति को हम ऐसे उल्टा। अब सीधी तरफ से नाइन्थ रो, नौवां सिलाई, नौवां सिलाई है, पहला फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब देख एक दो, दो फंदा हमने सीधा बुन लिया, अब इधर से दो का एक करेंगे इस साइड ऊपर से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इधर से दो का एक करेंगे, फिर पांच फंदा बीच में सीधा बुनेंगे, दो तीन चार पांच, फिर यहाँ हम दो का एक करेंगे ऊपर से, धागा फिर अपनी तरफ, इसको ऐसे करके नीचे से दो का एक करेंगे, फिर हम बीच में पांच फंदा, एक दो तीन चार पांच सीधा बुने, फिर हम दो का एक करेंगे ऊपर से, धागा अपनी तरफ, इधर से दो का एक किया, दो फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, सारे फंदा सीधा। उल्टा तरफ से सबको हम उल्टा बुनेंगे, पूरे पंक्ति को उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे। सीधी तरफ से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, अब इधर से ऊपर से दो का एक करेंगे, धागा अपनी ओर एक जाली बनाए, फिर धागा अपनी ओर दो का एक करेंगे, बीच में तीन फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक, फिर धागा अपनी तरफ
दो फंदे का एक फंदा किया, यहाँ दो जाली बने, फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे, दो फंदे का एक फंदा ऊपर से ऐसे, दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर धागा अपनी ओर एक जाली, फिर धागा अपनी ओर और दो फंदे का एक फंदा किया, एक सीधा धागा अपने तरफ, बाकी फंदे सीधा बुन लेंगे। उल्टा तरफ से सभी को उल्टा बुनेंगे, पूरे पंक्ति उल्टा ही बुनेंगे। हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ हम दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ एक जाली, फिर धागा अपनी तरफ दो जाली, फिर धागा अपनी तरफ तीन जाली, फिर धागा अपनी तरफ, अब यहाँ दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर यहाँ दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक जाली, धागा अपनी तरफ दो जाली, धागा अपनी तरफ तीन जाली, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, दो का एक किया ऊपर से, फिर धागा अपनी तरफ एक जाली, धागा अपनी तरफ दो, धागा अपनी तरफ तीन, फिर धागा अपनी तरफ दो का एक किए और फिर धागा अपनी तरफ करके एक जाली बनाएंगे, बाकी फंदा सीधा बुनेंगे, अब ये एक फूल कंप्लीट हुआ। फिर देखिए दूसरा फूल यहाँ से कैसे शुरू हुआ। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे का एक फंदा करेंगे, पांच फंदा बीच में सीधा बुनेंगे, पांच फंदा यहाँ हम सीधा बुने, दो का एक किया, तीन चार पांच फंदा सीधा, फिर यहाँ हम दो का एक करेंगे ऊपर से ऐसे, दो का एक किए, धागा अपनी तरफ, यहाँ हम नीचे से इधर से दो का एक करेंगे, फिर बीच में पांच फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच सीधा बुने, अब इधर ऊपर से दो का एक, फिर धागा अपनी तरफ दो का एक करेंगे, जाली बनाएंगे, फिर सीधी तरफ से देखिए एक फंदा सीधा, अब इस जाली वाले फंदा को भी सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो का एक करेंगे ऊपर से, अब यहाँ हम तीन फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन, फिर हम दो फंदे का एक फंदा इसे ऊपर से किया, फिर धागा अपनी तरफ एक जाली, फिर धागा अपनी तरफ, अब यहाँ फिर दो फंदे का एक फंदा ऐसे करेंगे नीचे से, तो यहाँ दो जाली बनेंगे, फिर बीच में तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर दो फंदा का एक ऊपर से करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ एक जाली, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को ऐसे करके नीचे से दो का एक करेंगे, बीच में तीन फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ दो फंदे का एक फंदा करेंगे और धागा अपनी तरफ एक जाली बनाएंगे, इसी तरह
यहाँ जो हम शुरू में जो फंदा बढ़ाते हैं उस जगह यहाँ कम घर घटता है, उसी को मेकअप करने के लिए यहाँ हम अभी एक एक फंदा को बंद किया, जाली नहीं बनाया, जिससे कि फंदा जितना हमने लिया था उतना पूरा रहेगा। उल्टी तरफ से पूरा उल्टा ही बनाएंगे। देखिए डिजाइन इसी तरह बन के तैयार हुआ। अगर ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।